Please recall me. Awesome. Assalamualaikum पब्लिक, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो आज की वीडियो फिर से आप बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हो। तो आज की वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा PUBG मोबाइल की बेसिक सेटिंग, मतलब कि भाई गन्स को स्विच करना, ऑन करना, इसका क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या माना है, तो आपका भाई सब कुछ बताने लगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगी है। तो उससे पहले मेरी वीडियो पर न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करते हैं दिल में खुशी होती है, और कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो व्यूअर है कौन मेरी वीडियो पे आया है और किस तरह का कमेंट है। और कमेंट में मुझे लाजमी बता दिया करें कि किस तरह की वीडियो होनी चाहिए, और आपका भाई कमेंट को लेके आगे लेता है। अगर आप किसी दोस्त को शेयर करेंगे ना तो उसको भी सीखने को कुछ मिलेगा और आपको भी खुशी मिलेगी। तो लाइक वगैरह शेयर भी कर देना। बाकी भाई लोग के कमेंट की तरफ चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भाई लोग के कमेंट भी, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई थी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला था कि भाई हमें जो है ना बेसिक सेटिंग के ऊपर बताएं। तो बेसिक सेटिंग के ऊपर वीडियो है। उससे पहले आप लोगों को पता है आपका भाई आप लोगों को जो है ना छोटा सा गेम प्ले दिखाता है तो मज़ा आ जाता है। तो आज हमारी लॉबी में जो भाई आया हुआ था ना, बहुत ही अच्छा खेलने वाला बंदा जो है ना टॉप रैंकिंग पर बैठता है, तैमूर वाइटी, और उसी के साथ TMG जो है ना निमरा थी वो भी थी, उनके साथ आपके भाई की फाइट होने वाली, इंटरेस्ट फाइट है। तो गेम प्ले देख लेना, उसके बाद बेसिक सेटिंग के ऊपर चलते हैं तो मजा आ जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है, एंजॉय। I'm being surrounded. Awesome. तो यार जी, यहाँ पे इवेंट पे जो ना अभी कार्ड उठाने वाले होते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे भेज देते हैं। पबजी वाले कहते हैं भाई जाओ, आप लोगों को अभी कोई भी काम नहीं, आप लोग एक्सपायर हो चुके हैं, तो नीचे आ जाते हैं ना। तो अभी मेरे टीममेट को भाई अच्छे बंदे मार लेते हैं, मैं गाड़ी पर होता हूँ तो उनके अभी इनको जो ना आपका भाई एक स्प्रे में मारने लगा है, तो अचानक से बंदा मुँह पे आ जाता है, तो यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ, फिर अगेन से मैं वापस आ जाता हूँ। तो वापस आने के बाद अभी यहाँ पर हमारी लॉबी में जो ना MX पठान गया होता है, ये भी टिकटॉकर है, अगर सर्च करोगे ना तो आ जाएगा।
तो जो ना फाइट भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी यहाँ पर। ये अहम जट्टी भाई जिसको मैंने मारा था, ये भी इसका टीममेट है, और तैमूर भाई है, और टीएम जो निमरा था पता नहीं यही थी, इनके साथ अभी फाइट होती है। तो देखो मज़ा आए। हाँ तो जाने लोग यहाँ पर इनके जो लास्ट टीम है तो उनको मार लेता हूँ, बाकी जो तैमूर लाइव होता है ना वो पहले से शायद मर जाता है। तो इसके बाद मरने के बाद ये सेकंड गेम प्ले होता है यहाँ पर, जो है ना मैं यहाँ पर वन की थ्री होता है वो भी इंजॉय कर आप लोगों को जो है ना बेसिक सेंसिटिविटी के ऊपर भी ले चलूँगा। ये जो बेसिक सेंसिटिविटी है ना आप लोग लास्ट तक लाजमी देखना, कोई भी स्टेप आप लोग अगर छोड़ दोगे ना तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, अगर छोड़ने के बाद कहीं पर मिस हो गया ना तो काफ़ी फॉल्ट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा लास्ट तक देखेंगे तब आप लोगों को अच्छा मज़ा भी आ जाएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो भी समझ नहीं आए ना मुझे कमेंट में बता दें ताकि आप लोगों को जो भी है ना वो पता चल जाए। तो बाकी मानने के बाद सीधा चलते हैं बेसिक सेंसिटिविटी के ऊपर। जानी लोग तो आ चुके हैं फाइनली अपने जो है ना उसकी तरफ, जो है ना बेसिक सेटिंग की तरफ, कि आपका भाई अभी जो बेसिक सेटिंग बताएगा ना इंशाल्लाह आप ये सेटिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपका एम भी परफेक्ट हो जाएगा, और उसी के साथ जो है ना आपकी मोमेंट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अगर इस वाली वीडियो में आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाते हो, रिस्पॉन्स दिखाते हो ना, इंशाल्लाह आपका भाई आप लोगों को ऐसी ऐसी सेटिंग बताएगा ना जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो देर नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी, लाइक वगैरह नहीं किया तो कर लो। तो यार जी यहाँ पर ये सबसे पहले ये तो जो जेरो यूज़र है उनके लिए है, जो ये जेरो यूज़ करते हैं ना तो उसको ऑलवेज ऑन पे रखना होता है, और ये शॉटगन के ऊपर टैप करोगे तो वो जो है ना ऐसे रुक जाएगी, फायर लेने के बाद भी ऐसे रुक जाएगी। अगर आप इसको जो है ना उसके ऊपर कर दोगे, रिलीज़ के ऊपर कर दोगे ना तो ये फिर ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये शॉटगन के यूज़र के लिए इसको टैप पे रखें बेस्ट है। और बाकी यहाँ पर स्कोप के ऊपर बात करें तो स्कोप अगर टैप पे रखेंगे तो टैप का स्कोप का ये है, देख रहे हो, अगर किसी बंदे को आप मार रहे हो उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये तो मतलब मोमेंट इससे रुक जाएगी। अभी देखो मिसाल सामने बंदा है और दूसरा बंदा आ गया तो मैं हिल नहीं पा रहा, तो इसको भी आप अगर इसी के ऊपर रखोगे होल्ड के ऊपर तो फिर ये इस तरह की सेटिंग बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से वही बेस्ट है, तो इसको भी आप टैप पे रखें, होल्ड पे रखें तो बेस्ट है। बाकी ये जो है ना ये क्विक स्कोप क्या है, अगर ये ऑनेबल है इसको डिसेबल करते हैं तो हमें इसको अब यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कोई स्कोप उठा लेता हूँ, ठीक है ना, क्विक स्कोप ऑफ है तो अभी हमें गन जो है ना स्कोप यहाँ से डालना पड़ेगा ऐसे। अगर ये इसको हम जो है ना ऑन करते हैं तो ये आपकी साइड में, आप इसको कहीं पर भी जाके सेटिंग में रख सकते हैं, अचानक से कोई बंदा आ रहा है तो आप इसको मुकदमे से आराम से मार सकते हैं, ठीक है ना। छोटा स्कोप रखें, बड़ा स्कोप रखें, जो भी है आपके ऊपर डिपेंड रखेगा। और चलते हैं आगे वाली सेटिंग पे, एडजस्टमेंट है इसका कोई सीन नहीं है, इसको टैप पे रखें, होल्ड पे रखें, जैसे ऊपर वाला है वही है, ठीक है ना, होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे टैप पे, टैप पे खेलें। बाकी पीक, ठीक है ना, आप अभी जो पीक जो ऐसे ऐसे हिलने वाले होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे अभी, ठीक है, मैंने डिसेबल कर दिया है, इसको आप इनेबल करेंगे तो ये आपकी पीक नज़र आ जाएगी, दरख्त के पीछे खड़े होते हैं ये, किधर भी खड़े होते हैं, ठीक है। अब चलो पीक तो हो गई, अभी पीक के नीचे क्या है, ये होल्ड टैप, ये वही सीन आ गया, टैप पे रखेंगे तो फिर ये कुछ किस तरह की बन जाएगी आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, टैप पे रखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी, और इसको छोड़ोगे फंसी रहेगी, अगर बंदा कोई आ रहा है जब तक इसको हिलाओगे नहीं करोगे ना ये ऐसे रुकी जाएगी, अगर मूवमेंट कर रहा है बंदा फाइट हो रही है क्लोज में तो ये फंस जाएगी। तो इसका यही है सीन, मैक्स का भी यही सीन होता है, कहीं पर छोड़ो बंद करो, इसको भी होल्ड पे रखें तो बेस्ट है। होल्ड पे कैसे होगा, देखो देखो थोड़ा रुक गए, ठीक है। तो बाकी दूसरा ये हो गया, कैमरा रोटेशन वगैरह इनेबल है, ये इसको इनेबल ही रखें, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्कीप के पीक के ऊपर आ जाते हैं, इनेबल करने डिसेबल का क्या है, अगर हम इसको डिसेबल करते हैं, इनेबल करते हैं, ठीक है, तो मिसाल पहले हम पीक को जब, ठीक है, बैठ के, ठीक है ना, हम स्कोप खोल रहे थे ऐसे और पीक को ऐसे कर रहे थे, ठीक है। अभी इसको जब आप इनेबल करोगे ना तो इसका क्या सीन बनेगा पता है, जब आप स्कोप को हाथ नहीं लगाओ, पीक को हाथ लगाओगे ना खुद स्कोप खुल जाएगा। तो मैं कहूँगा ये सही नहीं है, क्योंकि अभी क्लोज रेंज में बंदा है आपके सामने, ठीक है, तो क्लोज रेंज में बंदा है, इसके साथ फाइट ले रहे हो अचानक से, और पीक खोला गलती से, ठीक है, यहाँ से गलती से पीक खोला आपने ऐसे, तो क्लोज में आ गया तो फिर मुंह पे आ जाएगा, फिर सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, देखो बंदे को मुँह पे आने की कोशिश ही नहीं, बस दूर से पीक दे दो बंदा वहीं पर डाउन,
तो ये भी समझ आ गया, तो यहाँ तक आ गया। बाकी ये कैमरा रोटेशन वगैरह इसको आप स्विच पे कर दें। ये जो जायरो यूज़ करते हैं वो इसको जो है ना एनेबल डिसेबल रखें, जो जायरो यूज़ नहीं करते इसको एनेबल रखें, ठीक है ना। बाकी ये कैमरा रोटेशन है, ये शॉटगन के ऊपर है, सॉरी जो स्नाइपर चलाते हो, अगर स्नाइपर चलाते हो इसको टैप रिलीज वही हो गया जो यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। और बाकी एडवांस कंट्रोल पे चलते हैं। ये यूनिसर मार्क है, ये जो ऑटो ऑटो मार्क होता है, कहीं पर आप बंदे को आपका कोई टीममेट मार रहा है, आप मारे हैं, वो कहाँ पर नोक है, तो वो आपको फौरन इसकी लोकेशन बताएगा। तो उसको मेरे हिसाब से अनेबल रही है, सही है। ये हेडशॉट है, बंदे को मार रहे हैं, उसका आवाज़ आता है। अभी मिसाल इसको डिसेबल करता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। पता नहीं चलेगा कि हेडशॉट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, आवाज़ नहीं कर रहा। जब आप इसको करेंगे इनेबल तो भाई साहब फिर इसका मजा देखो। ऑन रखेंगे ना तो उसका फायदा है, क्योंकि जब किसी बंदे को आप मार रहे हो आपको इसका ये पता चलेगा, ये इसको हेड लगा है तो बिल्कुल लो है, तो उसको भी इनेबल करना है। ये मैगरेज फोन है, इसका थोड़ा कोई आइडिया नहीं है, इसको अगर डिसेबल रखें तो बेस्ट ही होगा। थ्रोबल क्विक वेल, ये आप अगर मिसाल आप जून में आ रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, इसको ऑन करोगे ना तो प्रोबल किसी टीममेट को आप फेंक भी सकते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को उठा के दूर से फेंक सकते हैं। तो उसको भी जो है ना आप स्विच पे इसको कर दो, ट्रांसमिट पे कर दो इसको स्विच पे, ठीक है। थ्रो करोगे तो फेंकने वाला है, स्विच करो भी सही है, दोनों में से जो करे दोनों के दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। और बाकी ये ट्रांसपेरेंट यूअल्ड मूड है, ये इसका कोई आइडिया नहीं, इसको भी छोड़ दो, इस चीज़ का पता नहीं। अभी मेन टॉपिक है ये तीन सेंसिटिविटियाँ क्या है। अभी ये आईपैड व्यू है और ये एफपीपी व्यू है, ये अभी मैं इसको दोनों को थोड़ा कम कर देता हूँ। मेरा बंदा क्लोज आ गया है, देखो, ठीक है ना, बिल्कुल मेरा बंदा क्लोज है। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया मेरा बंदा, ठीक है ना। अगर जिसकी डिवाइस अच्छे वाली है, आईफोन है, तो इसको ऑन करें, डिसेबल करें, मैं तो कहता हूँ इसको बीच में रखें, आप लोग बेस्ट है। मेरा आईपैड है, मैं इसी हिसाब से खेलता हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप जो है ना 80 के 80 के करीब रखो तो बेस्ट है। अभी ये असल चीज़ है, ये लोग फुल कर देते हैं, काफ़ी का बंद है, अगर बंद है तो उसको थोड़ा आगे कर लें, अगर काफ़ी लोग फुल करते हैं। फुल के क्या नुकसान है पता है, चलो फुल ये है, अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है ना कहीं पर फंसे हो ना, तो आपकी मूवमेंट तेज तो हो जाएगी लेकिन उसके ऊपर एम नहीं बैठेगा, क्योंकि आप कभी इधर इधर हिल रहे, कभी इधर हिल रहे, एम नहीं बैठेगा। मेरे हिसाब से जो आपको बेस्ट इसकी जो बता रहा हूँ ना, जो बेस्ट कंडीशन बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना, तो इसका जो बेस्ट है ना कंडीशन, इसको आप 80 या 90 के करीब रखें। तो मैं तो 90 के करीब रखता हूँ, 90 के करीब जो है ना इसकी थोड़ी मोमेंट मतलब फुल भी होगी और बीच में रुकेगी भी, सही मिसाल है, तो बराबर फोकस करेगी, यहीं पर रखो तो बेस्ट ही रहेगी, ठीक है। और बाकी एम असिस्ट ऑन रखें, ऑफ रखें, तो ऑन रखें तो बेस्ट है। बाकी ऑटो मार्क लोकेशन ऑन रखें, कैजुअलिटी, ये बैंडेज ये भी यूज होते जाते हैं, जून के अंदर है बाहर है, इसको भी कर लें। बाकी ये क्या है, ब्लॉक साइड वार्निंग, इसको डिसेबल करता हूँ तो देखें क्या हुआ है, ठीक है, ये डिसेबल है। अभी हम इसी को अनेबल करते हैं, किधर गया भाई, इसको अनेबल करते हैं, ये देखो साइड में वो नहीं हो रहा, शो ही नहीं हो रहा। अगर हम इसको अनेबल वो कर देते हैं तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा, आप इसको जो है ना डिसेबल रखें, इससे अगर बंदा साइड में आ रहा है ना तो मार सकते हैं, ठीक हो गया जी। और बाकी ऑटो मैसेज है, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह चलाएं इसको। थ्रोबल लाइन यूज है, इसका नो आइडिया। और डिफॉल्ट वेपन कॉपीड है, ये मिसाल है, आप जब टीडीएम खेलते हैं या क्लासिक खेलते हैं ना, गनों की जगह पे आपके ऊपर कोई मिसाल है क्या कहते हैं यार, कोई थ्रोबल आ जाता है, आपके छुरी आ जाती है, आपके यहाँ पर आया नहीं जो मैं आपको उठा के दे दूँ, या आपके हाथ में मिसाल है पेन आ जाता है, ये उसके ऊपर है, पेन वगैरह आ जाता है ना तो उसके ऊपर है। तो इसको आप, मैं क्या बताता हूँ क्या करें, इसको आप जो है ना
ड्रैगर कर दें तो बस ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक मैजिक कर लें भी सही है। ऑटो जंप आप ऑन करें, ऑटो जो जंप होते हैं ना दो वाले होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सेटिंग में जाके समझाऊं, ऑटो ये जो दो होते हैं ना ये, ठीक है ना, एक ये होता है इससे आप दीवार से चढ़ सकते हैं, एक ये होता है। अगर आप इनमें से ये एक यूज़ करेंगे ना तो मसला बन जाएगा। तो ऑटो ऑन करें तो ये भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा ऑटो ऑन करो, एक से जंप करो, एक से चढ़ना आप सीख लोगे, ठीक है ना। तो कहाँ पर थे, हाँ ये डिफ़ॉल्ट है, फॉलो वगैरह इसको डिसेबल कर दें। बाकी जैरो ऑन करें अगर जैरो खेलते हैं, एम फीचर है। लंबी वीडियो हो गई काफ़ी। मार्क ऑनेबल कर दें, जंप क्लाइंब को भी ऑनेबल कर दें, क्यू थ्रोबल को डिसेबल कर दें, थ्रोस बॉल को भी अनेबल कर दें। ये अरीना स्लाइड है, ठीक है ना, ये एफ पी पी डेनोमेट है तो इसको भी वो कर दें। सेपरेट का बता दिया, ये ऑटो मार्क क्लासिक पे कर दें, और ये स्क्रीन मेन स्क्रीन ऑटो मार्कर है, ये तो बहुत वो हो जाता है तो उसको क्लासिक पे रखें। हीलिंग प्रोमोट है, अगर आप कोई गाड़ी में है किसी और जगह पे कोई मार रहा है बंदा तो ऑटो हीलिंग आपकी लगती जाएगी, तो उस पर क्लिक करेंगे ना। ये ऑटो वगैरह ये दरवाजे हैं मतलब ओपन जो होते हैं डोर्स वगैरह उनके लिए, ये क्या है, ठीक है ना। ये होल्ड पर अगर मैप को पकड़ के रखेंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। और दूसरा अगर हम इसको उस पर करके देखते हैं डिसेबल, तो उनका दोनों का सेम ही आ रहा है। तो उनमें से आप, मैं तो कहता हूँ होल्ड पर रख दे तो बेस्ट ही होगा, ठीक है। बाकी इक्विप मिली वेपन, मिली वेपन ये जो छोटी होती है, पैन हो गया, गन होगी, दूसरी हो गई, तो उसके लिए होता है। तो इसको भी आप जो है ना, मैं जो आपको सिचुएशन दे रहा हूँ ना इसको डिसेबल रखें तो बेस्ट है। बाकी ये फायर एंड प्रेटर है, रीलोडिंग है, ये मिक्स है, इनमें से फायर पर रख दे भी सही है। ये टू मार्क लोकेशन है, ये अगर टीममेट को लोकेशन दे रहा है उसके लिए, इसको डिसेबल ऑनेबल रखें, वो आपकी मर्जी है। बाकी काफ़ी लोग जेरो को रिवर्स करते हैं, तो जेरो को रिवर्स ना करें। अगर हम ऊपर एम घुमाएंगे नीचे आएगा, नीचे घुमाएंगे ऊपर आएगा, तो इसको डिसेबल रखें तो बेस्ट है। बाकी यही थी आज तक की आप लोगों के लिए जो ना वीडियो थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगर इस पर लाइक अच्छे आ जाएंगे ना, तो आप लोगों को ग्राफिक्स और आप लोगों को जो है ना, आप लोगों का जो है ना मस्त मक्खन जो है ना, आप लोगों का जो है ना ये जॉयस्टिंग की तरफ दबाऊंगा, और इंशाल्लाह आप कहोगे यार बेस्ट जॉयस्टिंग हमें बना कर दिया है। हाँ, तो जान लोग आप लोगों को जो है ना गेम प्ले भी कैसा लगा है और सेटिंग्स कैसी लगी है, और उसी के साथ जो है ना बेसिक सेटिंग के जो भी चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में मुझे लाजमी से प्यार करना, और नेक्स्ट वीडियो किस तरह की बनाऊँ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आप लोगों का कमेंट शो करके आप लोगों को कर दो। बाकी इस वाली वीडियो में मैं देखता हूँ कितना रिस्पॉन्स मिलता है, जो पिछली वीडियो थी उस पर इतना खास नहीं था, बगल अलहमदुल्ला जो भी था आप लोगों के लव रिस्पेक्ट, जो भी टिकटॉक से मेरे भाई लोग सबके लिए लव रिस्पेक्ट है। दुआ करें कि आपका भाई जल्द से जल्द कामयाब हो जाए, ताकि आप लोग भी सपोर्ट करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो में हर वीडियो में मिल जाता है, उसको ज्वाइन कर ले, यूसी वगैरह अकाउंट जो भी होगा ना इंशाल्लाह फुल ट्रस्टेड है, कोई भी स्कैम नहीं होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।